हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो मैथमेटिक्स के लिए एएलपी और टेक्नीशियन का जो क्लासेस चल रहा था, सेट नंबर 39 टारगेट जो सेट है हमारा, उसी में ये सेट नंबर 22 है। इससे पहले सेट 21 तक अपलोड हो चुके हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोगों ने 21 सेट नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा मैथ का सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस काफ़ी सटीक आपको मिलेगा, इसका तो गारंटी है। सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छा है। डिजिटल्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूनिट डिजिट, कैलकुलेशन से बचना कैसे, ऑप्शंस अगर क्वेश्चन ज़्यादा बल्कि पूछ दिया जाए ऑप्शन से कैसे बचना है, ठीक है, कौन सा सटीक ऑप्शन पर डायरेक्टली क्लिक कर दिया, समय कम बचता है आपके पास क्योंकि एक घंटा का एग्जाम है, समय को देखते हुए चलना है। एक घंटे का एग्जाम में ही आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर सब कुछ करना है एक ही घंटे का एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इसी सिलसिले में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ना, वो लिया गया है हेलियो मैथमेटिक्स का एक बुक है, किरण पब्लिकेशन का, टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से क्वेश्चन बैंक है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनटीपीसी से लेकर डिपार्टमेंटल तक, सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके कुल मिला के 255 सेट बना दिया गया है। कुल मिला के 255 सेट ये तैयार किया गया, काफ़ी अच्छा मैथ का बुक है। टीसीएस पीवाई के नाम से, टीसीएस के पीवाईक्यू के नाम से अवेलेबल है। चैप्टर वाइज बुक है, क्वेश्चन बैंक बना दिया गया, ईयर वाइज, सेट वाइज है, तो आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल हो, साथ में फ्लिपकार्ट, अमेजन पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप जहाँ से जहाँ इसको बाय करना सकते हैं वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, डायरेक्ट हम जंप करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं उनके सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा, पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन जो अच्छा लगेगा उसको नोट कीजिएगा ताकि रिवाइज में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता है। क्वेश्चन तो नहीं बट कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिमिटेड है, क्वेश्चन अनलिमिटेड है बट कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, तो कॉन्सेप्ट मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट इसके बीच में क्या लगा है, ठीक है। दिया हुआ दो भाई हैं, दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 साल है, कितना है, 46 ईयर्स। 8 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की दुगुनी थी, तो बड़े भाई की एज क्या है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसको वैसा ही क्वेश्चन से मैं बनाता हूँ। देखिए बोला गया दो भाइयों का आयु का योग 46 साल है, तो हम पहले लिखेंगे ना बड़ा भाई और छोटा भाई, ठीक है। बड़ा भाई जो है वो मानते हैं कि एक्स है, तो छोटा भाई कितना होगा, 46 में से एक्स चला जाएगा कि छोटा भाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिए क्या बोला है, 8 साल पहले, दोनों 8 साल पहले चलेंगे, बड़े भाई भी 8 साल पहले, छोटे जवान भी 8 साल पहले, 8 साल पहले, 8 घटा दिए दोनों में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 8 साल घटा दिए, दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। अब क्या बोला है, बड़े भाई की आयु दुगुनी है छोटे भाई की एज से, छोटे भाई ये है, छोटे भाई की एज से दुगुना है, बड़े भाई का दुगुना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, कोई कहीं परेशानी प्रॉब्लम कुछ नहीं। इसको हम बस सॉल्व करते हैं, x माइनस 8, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 38 माइनस x इंटू 2, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 8 यहाँ पे लिख सकते हैं, 76 माइनस 2x, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2x, x को एक साइड कर देते हैं और संख्या को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3x, 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 84, 84 को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 3, जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। x किसका मान है, x बड़े भाई का एज है जो कि 28 साल है, छोटे भाई होगा 22 साल। आपसे पूछा कितना गया, बड़े भाई का एज पूछा गया, बड़ा भाई कितना है, 28 साल, 28 साल, यही आंसर है, बड़ा भाई का एज कितना है, 28 साल, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 28 साल इसका राइट आंसर होने वाला। होप सो आपको समझ में आओगे, स्क्रीन शॉट भी लेना है आप छोटा सा देख, इसलिए काफी छोटा सॉल्यूशन मैं करवाता हूं ताकि आप इस छोटा सा भी स्क्रीन शॉट इसको मार्क करके ले सकते हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पे कॉन्सेप्ट किया कम से कम लिखने का ट्राई करें। देखिए पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में चाय का सेट बेचा, ठीक है, जो लागत कीमत से 43% कम था। तो लागत की कीमत कितना होता है, हमेशा लागत की कीमत का मतलब कितना इन्वेस्ट किया गया, सीपी जिसको हम बोल सकते हैं, लागत मूल्य कितना होता है, लागत मूल्य होता है 100%, 100% से 43% कम है मतलब कितना है, 57% है, ठीक है। और आपसे बोला है इसी वस्तु को कितना बेचना, 10% का प्रॉफिट कमाना है, कहाँ गया,
10% का प्रॉफिट कमाना है, 10% का लाभ कमाना है, तो कितना बेचना होगा? 100 के सामान को 10% प्रॉफिट के साथ कितना बेचेंगे? 110 में सेल करते हैं। इसी सामान को 10% प्रॉफिट के साथ बेचने का मतलब क्या है? 110 में हमको सेल करना है। कितना में सेल करना है? 110 में, 110% में सेल करना है। ठीक है, तो कितना अधिक करना पड़ेगा? आप डायरेक्टली यहां से निकालिए, नहीं तो कैलकुलेशन से बनाते हैं। देखिए क्या बोला है, 57 जो है, 57 का मान कितना है? 57 का जो मान है वो दिया हुआ क्वेश्चन में 3420 दिया हुआ है। 100% का मान क्या हो जाएगा भाई? 3420 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 100। आपसे पूछा है 110 का मान पूछा गया है, 110 का मान हम निकालेंगे। 110 का मान क्या हो जाएगा? 3420 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाएगा 110% का, काट लेंगे 100 से 100। अब काटेंगे इसको, ये 6 बार में चला जाएगा, 66 हो जाएगा। मतलब कितना है? 6600 रुपये में हम इसको सेल करते हैं। कितना अधिक में सेल किया गया वो पूछा गया है। पहले 3420 में किया गया था, एंसर के अकॉर्डिंग 6600 आने वाला है। तो 6600 है वो कितना अधिक है 3420 में से? लास्ट में तो 80 आने वाला है। 80 है किसी में? नहीं, किसी में नहीं। हम कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, यही आंसर होने वाला है ए, 3180 लास्ट आंसर होने वाला है ए, 3180। अब इसको घटना देख भी सकते हैं, 3180 ही आएगा। यहां से कंप्लीट कैलकुलेशन देख सकते हैं, 3180 ही आने वाला। ठीक है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे आसान वे होगा। ठीक है, इसका एक और वे है, अगर किसी को आता है तो कमेंट में बताइएगा या टेलीग्राम में क्वेश्चंस बना के भेजिएगा, इसका कैसे एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन किया जा सकता है। वो भी काफी आसान सॉल्यूशन है, उसके टेलीग्राम पे मैं शाम तक इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, भेज दूंगा एक डेढ़ घंटे में, जब तक वीडियो ये वापस आप तक पहुंचेगी एक डेढ़ घंटे में इसका सॉल्यूशन, एक और सटीक सॉल्यूशन है वो भी मैं बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं, शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और इसमें खास क्या है ना, रेलवे सीओ सिलेक्शन बैच है जो कि 99 में रनिंग है। ये सभी एग्जाम्स के लिए है, जैसा कि आपको पता है अभी जेई का भी नोटिफिकेशन आ गया है, एनटीपीसी भी 10,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, लगभग अच्छे खासे वैकेंसी हैं। तो डेफिनेटली आपके पास टारगेट बेस्ड कहीं पर होना चाहिए। इसमें खास क्या है ना कि टारगेट वाइज आपको सेट दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन अपलोड होता है तो काफी अच्छा है। और भी ऐसे पर्टिकुलर बैच भी लॉन्च होंगे, एनटीपीसी के लिए अलग, जेई के लिए अलग, ये बैच आने वाले हैं। तो अभी के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, काफी अच्छा सोल्यूशन आपको मिलेगा और टारगेट बेस है, डेली सोल्यूशन किया जाता है, करवाया जाता है, साथ में संडे को टेस्ट भी लिया जाता है। तो काफी लिए आपके लिए काफी अच्छा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व होगा? 22, 22, 1/4। अब ये सब ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले तो ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। -5 -48 डिवाइडेड बाई -16, ये है, माइनस से माइनस काट लिए, 16 दिया 48, 48 होता है। अब क्या आ गया, 22 तो है, -1/4 भी साथ में चलेगा, अंदर में क्या आ जाएगा, -5 -3 क्या आने वाला है, -8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 22 -1/4 इंटू -8 लिख सकते हैं। अब इसको काट देंगे, -2 बार में चला जाएगा। अब क्या हो सकता है, 22 -2 -+ हो जाएगा, तो 22 + 2 क्या हो सकता है, 24 इसका राइट आंसर होने वाला है, 24। तो 24 इसका राइट आंसर होने, आप लिख सकते हैं 24। ठीक है, ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं, 24 इसका राइट आंसर होगा। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है आपके पास, टेन थीटा का मान दिया हुआ है 7/24 और 10x - sec x / sin x - p/28 है। तो हमको क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। पी का मान पर हम फोकस करेंगे, पी का मान कैसे निकलता है। पहले देखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7/24 दिया हुआ है। टेन होता क्या है, ये होता है पी और ये होता है बी। जब ये पी है, जब हम ट्रेंगल बनाए, ये 7 दिया हुआ है, ये 24 दिया है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 7 = 24 = 25 हो जाता है। तो हाइपोटेनियस हो गया 25, पी हो गया 7, बी हो गया 24, ये दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा
डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू माइनस पी बाई 28 है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम यहां से साइन थीटा, पहले सेक थीटा निकालना ना, सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है एच बटा बी होता है, एच कितना है 25, बी कितना है 24, ये सेक थीटा निकलेगा। साथ में आपसे एक और पूछा गया है साइन थीटा, साइन थीटा भी हम बगल में निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पुट करना आसान हो मेरे लिए। पी बाई एच होता है, पी कितना है, पी है 7, एच है 25, ठीक है यहाँ तक आ गया। अब इसको बस जनरली हम पुट कर देते हैं जो जो मान निकला है। टेन थीटा कितना निकला था 7/24 माइनस सेक थीटा कितना निकला 25/24, तो हम इसको लिख देते हैं 25/24 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कितना निकला है 7/25 लिख दिए इक्वल टू माइनस पी बाई 28, यहाँ तक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 24, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7-25 डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइड ना लिखे इसको हम उल्टा लिख देते हैं, ऐसे पलट देंगे, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 25/7 हो जाएगा और माइनस पी बाई 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लेंगे 7 चौक 28 और यहाँ हो जाएगा 6 बाय 6 चौक 24, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तक तो आ गया, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6/25 इक्वल टू माइनस पी, माइनस से माइनस चला गया, 3 से चला जाएगा तो पी इक्वल टू कितना आ गया, पी इक्वल टू 25 दिया 75 इसका राइट आंसर होगा, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू 75 इसका राइट आंसर होगा। पी 75 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, पी इज टू 75 राइट आंसर होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, आप ध्यान से बनाइएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, बस इतना ही है। ट्रिगोनोमेट्री आसान आता है, ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि कैलकुलेशन काफ़ी टफ आएगा, ट्रिगोनोमेट्री हार्ड आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस में है कि इनमें से कौन सा ऐसा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। देखिए इस क्वेश्चन पे क्लेम किया गया था, तो इस क्वेश्चन को मैं, इससे पहले थोड़ा सा मैं इस पे कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आप खुद देखिए क्वेश्चन गलत है कि सही है, ठीक है। देखिए दो होता है, एक होता है दशमलव शांत, एक अशांत, शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। मैंने दोनों का बता देता हूं, शांत दशमलव एक क्या होता है, अशांत दशमलव, ये दो होता है। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है ना कि उसके पॉइंट के बाद कंप्लीट संख्या डिवाइड हो जाए, जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। 1/4 कितना है, इसको लिख सकते हैं 0.75, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहां तक भी इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आसान दशमलव किसको बोलते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, जैसे 1/3 कितना होता है 0.33333, रिपीटिंग होते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये उसका आसान दशमलव हो गया। 1/3, 1/6, 1/9, इसका मतलब क्या है, आसान दशमलव तभी पॉसिबल है जब नीचे में, मतलब नीचे साइड हर के साइड 3 का मल्टीपल हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, मतलब 3 के मल्टीपल में कोई संख्या हो, तब यह संख्या अशांत दशमलव होगा, ठीक है। अब हम इसको यहां काट के देखते हैं, यहां पे क्या आया 1/7, 1 7 8 56, 1/8, यहां पे क्या आया 14 चौक 56 ना, 14 चौक 56, हाँ 14 चौक 56। अब यहां पे देखिए 1/8 ये आया, 1/8 56, नहीं 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 यहाँ पे नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 3/28, 3/28 आ जाएगा ये, तो यहाँ 7/4 का फॉर्म है, कहीं ऐसा बन रहा है क्या, तो लेकिन आंसर दिया हुआ है 1/8, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5 होता है, यही आंसर दे दिया है। बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट आप समझिए, ये तो क्वेश्चन मिस्टेक था, बाद में क्लेम किया गया था, बट आपको समझाने का मेन मोटो था शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है,
या आप सीख लीजिए। आसान दशमलव तभी पॉसिबल है जब उसके नीचे में 3, 6, 9 हो, ठीक है। जब हर में 3, 6, 9 हो, आसान दशमलव कितना है जो कंप्लीट संख्या, इनके अलावा जो इतने संख्या सभी आसान दशमलव है, जब कटेगा तो कंप्लीट संख्या देगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संख्या दिया हुआ है, इनमें 9 और 5 के स्थानीय मान का डिफरेंस निकालना। 9 के स्थानीय मान का डिफरेंस कितना माना, मतलब खुद संख्या 9, 9 के पीछे कितना 2, 2, 4, तो यहाँ पे कितना 9 के पीछे 4 सुन्ना चिपका दिए। 5 कहाँ पे है, लास्ट का संख्या है, 5 के पीछे कोई सुन्ना नहीं चिपका, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 9, 9, यहाँ हो जाएगा 8। 9999 8 5 कहाँ है, 5 संख्या ना, तो 5 संख्या ही बचेगा, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 9, 9, 9 यहाँ पे, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। एक तांबे की तार को मोड़ का एक क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तार को मोड़ का एक वृत्त बनाया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये चेंज ध्यान से देखिएगा। पाई का मान दिया है 22/7, 22 में 2 × 11 है, 11 का मल्टीपल तो होगा ई नहीं है, ई नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन ओनली 1 है, 22 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, 14 टाइम में कट जाता है, ठीक है। 14 × 11 कितना होता है, 154। आंसर आपका आने वाला ऑप्शन ए, बट इसको हम सॉल्व करते हैं, ऐसे आप सटीक बना सकते हैं, डायरेक्टली बिना क्वेश्चन सॉल्व किए बना सकते हैं, ऑप्शन ए होगा, बट इसको आप सॉल्व करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ये दिया है 121, ए का मान है, ए का मान कितना निकलेगा, रूट अंडर 121, जिसको हम लिख सकते हैं 11, 11 आ गया, 11 सेंटीमीटर ए का मान आ गया। इसी को मोड़ के जब बनाया जाएगा ना, तो इसका क्या होगा, परिमाप चेंज होगा, परिमाप, ठीक है, परिमाप चेंज होगा, वर्ग का परिमाप ही जो होगा वही वृत्त का परिमाप होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × 4a होता है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, लिख दिए 4 × 11, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 × 22/60 × r, यहाँ से काट लेते हैं, 11 × 22, 4 से 4 गया, r का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया r का मान। आपसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जब होगा ना, पाई आर स्क्वायर होगा, ये क्या लिख सकते हैं, 22/7, 7 × 7 लिख सकते हैं, 7 से 7 गया, 154 इसका राइट आंसर होने वाला सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में है। मैंने पहले ही बोला था कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए। आप दोनों टेक्निक देख लीजिएगा, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कैसे लगा सकते हैं, या सॉल्व करके हम चलेंगे तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ये दिया हुआ है शेष कितना बचता है, -1 बचता है, यहाँ पे लिखा हुआ -1 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, -1 शेष बचता है, इसको आप सॉल्व करते हैं, रूट अंडर निकालना है, रूट अंडर ए बी, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका मान जो है एक्स माइनस वन से डिविजिबल है, बाद में डिवाइड करने पर कितना बचता है, शेष 15 बचता है, 15 शेष बचता है, यहाँ पर रख देंगे, एक्स का मान 1 पुट करते हैं इसमें, 1 का क्यू प्लस 1 × a प्लस बी इक्वल टू 15, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 15 − 1, क्या आ जाएगा फाइनली, a प्लस बी इक्वल टू 14, ये आ गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाला ये दिया हुआ है, सेकेंड क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, कौन सी इक्वेशन पे, x प्लस वन पे रखने पे -1 आता है, x का मान क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, -1 यहाँ पुट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस ए -1, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1 − b + a = −1, यहाँ से लिख सकते हैं a − b = −1 − 1 − 2, ये आ गया इक्वेशन 2।
दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ पहले 14, फिर दिया हुआ a माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से दो आएगा, a का मान दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 14 माइनस टू को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को आधा करेंगे तो 6 आ जाएगा, b का मान दोनों को घटा के जब घटाएंगे तो जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में से दो गया तो 8 आएगा, 8 दूनी 16 होता है। अब दोनों का अंदर अंडर रूट पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 6 8 का 10 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ 10 इसका राइट आंसर होने वाला है, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, 10 इसका राइट आंसर होगा, 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे दो तीन फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, a माइनस वन बाई ए अगर x दिया जाए और आपसे a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा। ठीक है, अगर a प्लस वन बाई ए इक्वल टू एक्स दिया जाए आपसे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, ए प्लस वन बाई ए एक्स दिया जाए और आपसे ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू पूछा जाए तो क्या होगा, प्लस को प्लस में पूछा जाए तो माइनस होता है, ए क्यू माइनस थ्री ए। ठीक है, ए माइनस वन बाई ए एक्स दिया जाए और आपसे ए क्यू माइनस वन बाई ए क्यू पूछा जाए, माइनस दे तो माइनस में पूछे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए क्यू प्लस थ्री ए। ठीक है, एक्स क्यू ना होगा भाई, यहाँ पे मैंने ए क्यू लिख दिया, अच्छा ए के फॉर्म में हम लोग याद बेसिकली याद करते हैं ना, इसलिए हम लोग ए के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स एक्स क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए अगर a प्लस वन बाई ए एक्स दिया जाए और आपसे a माइनस वन बाई ए पूछ दिया जाए तो क्या होने वाला है, कितना होता है, 4ab ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम इसको 4ab कर देंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए ये होता क्या है, a प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी कितना होता है, 4 होता है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर आ जाएगा, रूट से हम यहां से निकालते हैं, ए माइनस वन बाई ए यहां से क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपसे फाइनली पूछा क्या गया है, ए माइनस वन बाई ए एक दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर पूछा है, ये वाला आपसे पूछ दिया गया है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है, तो हम इसको लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स कितना है, एक दिया हुआ, एक का स्क्वायर प्लस वन, एक का स्क्वायर वन प्लस वन कितना आ गया, दो आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टू होता ना, एक मिनट एक मिनट एक, एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस टू होता है, प्लस टू प्लस टू, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री आ जाएगा, थ्री कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, अगला जो क्वेश्चन है वो अनुपात में दिया है, 4/5 है, 2/3 है, 5/7 है, इनका क्या पूछा गया, लस्सा पूछा गया है, मतलब क्या है, लघुत्तम, लघुत्तम किसको बोलते हैं, एलसीएम पूछा गया है, जब ऐसी संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए ना, अनुपात में हो, तो हम कैसे मानते हैं, एलसीएम ऊपर वाली संख्या का, एचसीएफ नीचे वाली संख्या का, ये होता है एलसीएम का फॉर्मूला। ठीक है, अनुपात वाले का, अनुपात वाला जब भी ऐसा होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, जो पूछा जाएगा ऊपर वाला में वही काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एलसीएम पूछा गया है, इसमें क्या है, एलसीएम पूछा गया है, तो ऊपर वाला का एलसीएम लिए हैं, ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर होने वाला है 20 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आप इसको ऐसा सॉल्व कर फॉर्मूला को लिख लीजिएगा जो मैंने बताया है। ठीक है,
चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी समान गति से 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट लेट पहुंचता है, उसी दूरी को तय करने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, नेचुरल स्पीड से चले तो कितना समय लेगा वो आपसे पूछा गया है। तो स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, एक होता है नॉर्मल स्पीड, उसका नॉर्मल स्पीड, एक स्पीड कम किया है, कम किया है, नॉर्मल स्पीड कितना है 5 है, अब कितना चल रहा है 4 से चल रहा है, तो टाइम कितना लेगा, पहले 4 अनुपात लेगा अब 5 अनुपात लेने लगा, 1 अनुपात का डिफरेंस है, 1 का मान 15 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 15 × 4 हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब कितना होता है 1 घंटा, 1 घंटा उसको लगा है, कौन सा सामान्य चाल से चला है, तो सामान्य चाल वाला ही पूछा गया है, तो 1 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 1 आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 घंटे का समय लगा, नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो 1 घंटे उसका समय लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन, आसानी से बन जाएगा, देखिए कहीं डाउट नहीं होगा, होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप वापस से उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दिवाली में कप का एक सेट 375 में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेच दिया, 375 में लिए और 345 में सेल कर दिए, ठीक है, ये सीपी है, ये एसपी है, यहां पे डेफिनेटली लॉस होगा, लॉस कितने का होगा, 30 का नुकसान होगा, तो लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 होता है, परसेंटेज के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लॉस 30 का है, सीपी कितना है 375 है, 100 से गुना करते हैं, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, अब 15 25 को करेंगे तो हो जाएगा 25 125, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25 × 100, 15 से काटेंगे दो बार में चला जाएगा, 15 × 2 = 30, लॉस कितना हो जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा 8% का लॉस होगा उस सामान को बेचने पे 345 में, 8% इसका राइट आंसर होने वाला है जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अभिक्रम व्यवस्थित किए गए, 4 संख्याएं हैं, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब घटते से बढ़ते क्रम में है, पहले 3 न्यूनतम संख्या का औसत कितना, इन संख्याओं का औसत कितना 18 है, 18 दिया हुआ है, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई इनका औसत दिया है 18, तो सम कितना होगा 18 + 54 होगा, ठीक है, ये चीज है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत कितना है, अधिकतम संख्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अधिकतम संख्याओं का औसत कितना है 22 दिया हुआ है, तो इनका सम कितना होगा 66 हो जाएगा, आपसे पूछा है कौन सा कॉमन टर्म है, ठीक है, आपसे पूछा है कि इनका परिसर ज्ञात कीजिए, जबकि 3 संख्या, रेंज कितना होगा, कौन सा बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12 का डिफरेंस होगा, यही इसका राइट आंसर होगा, 12 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पैसा का मतलब क्या, तो बड़ा से छोटा घटाना, जैसे मैंने बोला ये बड़ा है तो ये छोटा है, दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया माइनस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, ये चीज है, हमको जनरली निकालना क्या दोनों को पैसा, मतलब जेड माइनस डब्ल्यू निकालना है, जेड माइनस डब्ल्यू मैं निकालता हूं यहां से, क्या आ जाएगा 66 - 54, ठीक है, यहां से क्या आ गया एक्स वाई, तो एक्स वाई से कट जाएगा, यहां क्या बचा जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया, इसलिए मैंने 12 डायरेक्टली घटाने के बाद लिखा, ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि 12 कहां से आया, बहुत लोगों में इसका सॉल्यूशन इससे पहले भी मैंने जब लाइव क्लासेस में करवाया था एप्लीकेशन पे, उसमें भी लोग बोले थे कि 12 कैसे आएगा, तो 12 घटाने के बाद इस तरह से 12 आता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है, देख लीजिए डाउट होगा तो बताइएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, रेत के साथ बजरी का अनुपात दिया है 17:8 और अंत में बोला है बजरी से सीमेंट का अनुपात, सीमेंट का अनुपात दिया हुआ है 6:17, आपसे पूछा गया है रेत और सीमेंट का अनुपात, जो कॉमन है देखिए बी कॉमन है दोनों में, तो बी को हम कॉमन करते हैं, इक्वल करते हैं, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, तो इन संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 * 51, यहाँ पे आ जाएगा 8 * 24, यहाँ पे हो जाएगा 8 * 24, 17 × 68, ठीक है, यहाँ पे अब पूछा क्या गया है रेत के साथ सीमेंट का अनुपात, रेत के साथ सीमेंट का अनुपात इतना 51 से 68,
71, 3:4, 3:4 कहाँ है? ऑप्शन बी डी में दिया हुआ है 3:4, इसका राइट आंसर होने वाला है 3:4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने अनुपात से इसको आपको इजीली बता दिया। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है 3249 का वर्गमूल कितना हुआ, आपसे पूछा गया है। अगेन दो मेथड, पहला मेथड कि डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कीजिए, 3249 के आसपास का नंबर किसका है, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 होता है, 3600 से ये छोटा है तो 3600 से 60 से छोटा होगा, 60 से छोटा होगा तो ई नहीं होगा, ये नहीं होगा, 9 का स्क्वायर लास्ट में एक आता है, 9×81 होता है, एक आता है तो ई तो होने का चांसेस ही नहीं है, बचा 57, इसका राइट आंसर सिंगल ऑप्शन 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 57, ठीक है 57 इसका राइट आंसर होगा 57, तो 57 इस तरह से बना सकता है, नहीं तो कैसे बनाइएगा, 50 का बेस लेकर बनाते हैं, 57 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होने वाला है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये 7 ज्यादा है तो 25 से भी 7 ज्यादा होगा, 25 7 कितना होता है 32 होता है, 32 यहाँ चिपका देंगे, ठीक है 3249 इसका राइट आंसर होगा, 3249 किसका है 57 का है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, देख लीजिए कौन सा वे आपको ज्यादा पसंद आया, नहीं सेकंड वाला समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, मैं अलग इसका वीडियो बना दूंगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर निकालना ज्यादा हार्ड है, बट एग्जाम में ऐसा टाइम में क्यों फंसना इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक साथ काम करते हुए पाइप ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी बंद हो गया, ए ने काम आम तक जारी रखा और टैंक को भरने में 9 घंटे लग गए, कितना लग गया 9 घंटा लग गया, ए ने काम किया है तो ए अकेले टैंक को कितने टाइम में भर देगा आपसे पूछा गया है। ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो 10 घंटे में टैंक को भर लेता है, बल ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी जब दोनों लोग आपस में मिल बांट के काम करते हैं 10 घंटे में काम समाप्त हो जाता है, उन्होंने 4 घंटे तक साथ में काम किया, ठीक है फिर बी चला गया, अगर 10 घंटे तक करते तो कोई दिक्कत नहीं था, टैंक आराम से फिल होता है क्योंकि ए प्लस बी 10 घंटे में आराम से दोनों मिलकर भर सकते हैं, लेकिन 4 घंटे तक ही काम किया, ठीक है 10 घंटे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 4 घंटे तक ही काम किया, एक्चुअली क्या है ए प्लस बी का ए और बी मिलकर जो 6 घंटे में टैंक को फिल करते ना वही काम बच गया, सुनिए ए प्लस बी 10 घंटे में टैंक भर सकते हैं, ठीक है 4 घंटे तक काम किए तो उन्होंने अपना काम 6 घंटे का नहीं किया है, उसी 6 घंटे के काम को ए को अकेले करना पड़ेगा क्योंकि बी चला जाएगा, ठीक है तो क्या बोला गया है, देखिए यहां 10 घंटा यहां 4 घंटा तो 6 घंटा काम, ए प्लस बी के 6 घंटे के काम को ए अकेले करता है कितने टाइम में, 9 घंटे में कंप्लीट करता है, यहां से निकाल देंगे 6a + 6b = 9a, यहां से निकालेंगे क्या आ जाएगा 3a = 6b, a से b का अनुपात निकालेंगे 2:1 हो जाएगा, ये एफिशिएंसी हो गया 2+1, दो डिवाइडेड बाय 1, यहां पे बोला है a प्लस बी अपने काम को 10 घंटे में कर सकते हैं तो ये टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क यहां से हम निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 2+1, 2+1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल काम हो गया 30, टोटल काम कितना हो गया 30 हो गया, इसी काम को ए से करवाना है, ए काम करेगा टोटल काम 30 है, ए करेगा 2 के साथ तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा 15 घंटे में काम समाप्त कर देगा, ए अकेले काम करेगा तो एक 15 घंटे में काम को समाप्त कर देगा, राइट आंसर हो जाएगा 15 घंटा जो ए समाप्त कर देगा, उससे आपको समझ में आएगा, एक बार फिर से देखिएगा कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, कहीं डाउट होने वाला नहीं है एक्चुअली, ठीक है चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के 28% का मान 35 है, संख्या क्या है, कोई भी संख्या खुद कितना होता है 100% होता है, ठीक है तो संख्या के 28% का मान 35 है तो 4% का मान कितना होगा 7, 4% का मान कितना होगा 7×28 ना, तो 7×5=35 होगा, 5 हो जाएगा, कहने का मतलब 4% का मान जब 5 है तो 100% करने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25×100 होता है, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25×5=125 हो जाएगा, 100% कितना होगा 125 हो जाएगा, 125 कहाँ है ऑप्शन डी में दिया हुआ 125 इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका हो जाएगा 125, 100% का मान 125 होगा, 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है होप सो आपको समझ में आओगा, ठीक है वीडियो जैसा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, पढ़ाई कीजिए, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है तो वीडियो को यहीं तक रहने, धन्यवाद, थैंक यू।